तो हमें चाहिए एक ऐसी सरकार जिससे हम लोग सुरक्षित रहे और अच्छे रहे। सुरक्षा आपका सबसे बड़ा कारण है, वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के वोट देंगे? हम कमल फूल को वोट देंगे कि हम सुरक्षा, अपने सुरक्षा के लिए वोट डालने जा रहे हैं। साइकिल आपको सुरक्षित नहीं रख सकते? कहीं से नहीं, कहीं से नहीं। कल सरकार आ जाए उपद्रव मच जाता है। पंकज मिश्रा। मिश्रा जी ये बताइए, वोट डालने जाएंगे तो मुद्दा क्या होगा? बीजेपी को वोट डालेंगे। मुद्दा क्या होगा, क्या सोच के बीजेपी को वोट? क्या सोच के? क्यों, हम लोग कमा खा रहे हैं, मतलब कि हम लोग स्वच्छ हैं, मतलब कोई लड़की जा रही, कोई आदमी छेड़ नहीं रहा। सपा की सरकार थी तो रोड पे गुंडागर्दी चलती थी, और यहाँ पे इस समय सुरक्षित हैं हम लोग। इससे पहले आप कह रहे सुरक्षित नहीं थे, सिर्फ महिलाएं सुरक्षित नहीं थी या कोई भी सुरक्षित? कोई भी सुरक्षित नहीं था। हाँ कि जी आए हैं तो सुरक्षा सही है, सुरक्षा व्यवस्था अच्छा सही है, एकदम सही। हमको बाबा जी चाहिए। हाँ हमको बुलडोजर चलाने वाले सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज, मैं हूँ आपके साथ आयुषी प्रधान और मैं अभी मौजूद हूँ लखनऊ में, और फिलहाल मेरे सामने एक चाय की टपरी है। और कहा जाता है कि चाय पे अक्सर चर्चा जो होती है, यहाँ पे राजनीतिक चाणक्य काफी देखने को मिलते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं अभी पीछे जो कि यहाँ पे चाय पी रहे थे, इनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे यहाँ का माहौल क्या है। क्या नाम है सर आपका? रविशंकर मिश्रा। रविशंकर मिश्रा जी, क्या लग रहा है इस बार यूपी में क्या होने वाला है? यूपी में बुलडोजर वाले बाबा आ रहे हैं। जी, और ये साइकिल वाले भैया क्यों नहीं आ रहे? साइकिल तो पंचर हो गई, साइकिल पंचर हो गई है। लेकिन आप जोश देखिए, दम देखिए, अखिलेश यादव पूरा जोर लगा चुके हैं, पूरा परिवार भी एक साथ है, तो बीजेपी को टक्कर तो दे रहे हैं। बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं लेकिन परिवारवादियों का कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरा नंबर बात यह है कि कुछ सीटें उनकी बढ़ सकती है लेकिन जो है मुख्यमंत्री जो है वो बाबा ही बनेंगे। मतलब सीटें बढ़ेंगी लेकिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे आप? जी जी। तो ये बताइए जो मुद्दे हैं, मुद्दे क्या होंगे, आप वोट डालने जाएंगे तो किन मुद्दों को देखते हुए आप वोट? देखिए अपराध मुक्त जो है पूरा भारत है, आतंक मुक्त है पूरा भारत, और जो है ये चोरों की सरकार नहीं है, ना योगी चोर है ना मोदी चोर है। ठीक है, चोरों की सरकार कब थी? चोरों की सरकार पहले थी, 2017 से पहले अखिलेश यादव की सरकार जो थी वो चोरों की सरकार थी। आप बिल्कुल, लूट खसोट जो है पूरे प्रदेश में मचा था, और अपराधी माफिया, भू माफिया इनके कार्यकाल में सब थे। अभी सब बंद है? ये अभी सब बंद है। आज जो करने की कोशिश कर रहा है उसको उचित कार्रवाई या उचित दंड उसको दिया जा रहा है। तो आपको बाबा ही चाहिए, बबुआ नहीं चाहिए? अखिलेश बबुआ नहीं चाहिए, बहन जी भी नहीं चाहिए। नहीं आ रहे हैं मतलब? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपका नाम सर? रामचंद्र वर्मा। रामचंद्र वर्मा जी ये बताइए जो माहौल है अभी, टक्कर दे रहे हैं अखिलेश यादव, और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं अखिलेश यादव, तो सपा की हवा है क्या इधर? इधर यहाँ पर सपा की हवा नहीं है। रैलियों में तो काफी भीड़ दिख रही है, रोड शो किए जा रहे हैं, गाड़ी से उतरे तक नहीं, बस आए थे यहाँ पे, गाड़ी से उतरे तक नहीं, हम लोग खड़े रहे लेकिन कोई उतरा नहीं, आए बस में खड़े होके, बस दो हाथ उठा के बस 15 मिनट में चले गए। युवा चेहरा है अखिलेश यादव, रोजगार और विकास की बात करते हैं, लखनऊ मेट्रो की सौगात उन्होंने ही दी थी लखनऊ वासियों को, तो क्यों नहीं चाहिए अखिलेश यादव? विकास तो वही, वो कहते हैं विकास तो मैंने ही किया है यहाँ पे। इनकी सरकार में गुंडागर्दी बहुत है। मतलब अखिलेश यादव को आप मौका नहीं दे रहे हैं तो उसका कारण गुंडागर्दी है? जी। तो आपको लगता है फिर से सत्ता में आए तो गुंडागर्दी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, माफियाओं का राज हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी तो इस सरकार में भी कम नहीं है। कहाँ गुंडागर्दी दिख रहा है, कहीं दंगा फसाद हुआ या एको बार हुआ अभी जब से? अच्छा, 5 साल में आप सुरक्षा देखते हुए वोट डालने जाएंगे? हम लोग सुरक्षा देखते हुए। दूसरे दिन पहले चलाने का पूरा इरादा है, बुलडोजर ही चल? बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ से यही निकलना है सीट बाबा जी की। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठ रहा है, किसे बैठा रहे? अब बाबा जी बैठेंगे और कौन बैठेंगे, बैठेंगे जी। ठीक है, क्या नाम है सर? संतोष मिश्रा। मिश्रा जी ये बताइए ब्राह्मण किस तरफ है? योगी जी की तरफ, योगी जी की तरफ एक कदम। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश यादव जी परसों आए थे, आना था उनको रात के 9 बजे और आए हैं रात के 11 बजे, और अपनी गाड़ी से उतरे तक नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं उतरे, ये तो वो बताएंगे ना। और हमारे बाबा जी कल आए थे,
पूरा पूरे पूरे लोगों का बढ़िया संबोधन किया, सब सबके सामने अपनी बातों को रखा। तो कह रहे हैं बाबा जी की रैली में जो भीड़ आ रही है, पैसे जुटा पैसे दिए जा रहे हैं। यादव जी से ये पूछिए कि उनकी खुद की चाची हैं कि भाभी हैं, वो उनके साथ नहीं है तो जनता कहाँ से उनके साथ होगी। अपर्णा यादव जी भी आई थी यहाँ पे, तो जब उनका परिवार उनके साथ नहीं है तो जनता कहाँ से उनके साथ होगी। अपर्णा यादव के जाने से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मेरे परिवार के मेरी बीवी ही चली जाए और मैं कहूँ कि नहीं मैं परिवारवाद हूँ, परिवारवाद कर, वो तो परिवारवाद की राजनीति करते हैं ना, समाजवाद की राजनीति कहाँ करते हैं। तो हमें चाहिए एक ऐसी सरकार जिससे हम लोग सुरक्षित रहें और अच्छे रहें। सुरक्षा आपका सबसे बड़ा कारण है, वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के वोट देंगे? हम कमल फूल को वोट देंगे कि हम सुरक्षा, अपने सुरक्षा के लिए वोट डालने जा रहे हैं। साइकिल आपको सुरक्षित नहीं रख सकते? कहीं से नहीं, कहीं से नहीं। कल सरकार आ जाए, उपद्रव मच जाता है। उस परसों की रात को आए थे, यहाँ का आप माहौल देखती, ये रोड जो है वो पब्लिक के चलने के लिए बना हुआ है, ना कि यहाँ पे आप प्रदर्शन करेंगे, गलत सलग नारे लगाएंगे। परसों की रात को यही यहाँ पे किया गया है। और योगी बाबा प्रदर्शन पब्लिक कर रही थी, उनके सपोर्टर कर रहे थे, हाँ अखिलेश यादव के सपोर्टर कर रहे थे, पूरा रास्ता जाम कर दिया गया था। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आए थे, बढ़िया उस परिसर को खाली करा के, रोड को छोड़ के रास्ता चल रहा था और कायदे से उनका। अखिलेश यादव कह रहे हैं कमाल के हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, कोई काम ही नहीं किया है। एकदम काम कर रहे हैं, हमेशा काम कर रहे हैं। क्या काम नहीं किया? पूरे कोविड में गरीब जनताओं को राशन दिया, सारी सुविधाएं दी, सारा ट्रीटमेंट दिया, सबको कोविड का इंजेक्शन लगाया, सबका हाल चाल पूछा। बीजेपी सपा को डायरेक्ट अब आतंकवाद से जोड़ रही है, तो ये गलत नहीं है? नहीं, किसी पार्टी को आप आतंकवादी बता रहे हैं? गलत नहीं है, ये मुसलमानों की सरकार है, सीधी सी बात सुन लीजिए। उपद्रव यहाँ पे उस रात को अगर आप होती, यहाँ का उपद्रव देखती तो आप बताती, एकदम रोड पे खड़े को उन लोगों ने उपद्रव किया है। उपद्रव था, हल्ला चिल्ली, गाड़ी रोकना, गलत तरीके की नारेबाजी। सरकार आई, कहा जा रहा है सपा की हवा चल रही है, मजबूत स्थिति में है, तो क्या होगा? हवा चल रही है नाम है, लेकिन आनी नहीं है, आनी है योगी की ही सरकार, और उसी में हम लोग सुरक्षित है और सुरक्षित रहेंगे। और हमेशा हम लोग बीजेपी को चाहेंगे कि जब तक हम लोग आजीवन बीजेपी को ही देखें, मोदी जी रहे, योगी जी रहे। टैग लगता है भाजपा के ऊपर ब्राह्मण विरोधी का, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ये गलत अफवाह है। नाराज नहीं, एकदम नाराज नहीं, कोई नाराज नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि ब्राह्मण नाखुश है थोड़े इस सरकार? अफवाह, हम भी तो ब्राह्मण ही है भाई। साथ के लोग नाराज नहीं है कोई जान पे? नहीं, और गुंडों का सफाया किया, मारे गए विकास दुबे जी से, लोगों को मारा गया, मुन्ना बजरंगी जी से लोगों को मारा गया। दुबे के मारे जाने से कोई नाराजगी नहीं है कि दुबे जी थे वो? ना, गलत किया, गलत करोगे, दुबे हो चाहे चौबे हो, चाहे मिश्रा हो, चाहे तिवारी हो, चाहे ठाकुर हो, आप गलत करेंगे तो आपको उसकी सजा मिलनी है। कहते ये ठोको नीति वाले हैं। अखिलेश यादव की जब सरकार थी, उन्हीं का बढ़ावा दिया हुआ था वो विकास दुबे, उन्हीं का पैदा किया हुआ था विकास दुबे, बाबा के राज में मारा गया। अगर सपा की सरकार सही चल रहा है बाबा का, सपा की सरकार होती तो शायद आज विकास दुबे नहीं मारे गए होते, लेकिन बाबा की सरकार थी तो विकास दुबे मारे गए और बुलडोजर एकदम सही चल रहा है, ऐसे चलता रहा। परिवर्तन नहीं चाहिए यूपी में? एकदम परिवर्तन ही तो हो रहा है, बढ़िया परिवर्तन, अभी से बढ़िया क्या चाहिए? सत्ता परिवर्तन नहीं, सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, योगी की सरकार चाहिए। जी जी बिल्कुल। क्या नाम है? पंकज मिश्रा। आप भी मिश्रा जी, ये बताइए वोट डालने जाएंगे तो मुद्दा क्या होगा? बीजेपी को वोट डालेंगे। मुद्दा क्या होगा, क्या सोच के बीजेपी को वोट? क्या सोच के? क्यों, हम लोग कमा खा रहे हैं, मतलब कि हम लोग स्वच्छ हैं, मतलब कोई लड़की जा रही, कोई आदमी छेड़ नहीं रहा। सपा की सरकार थी तो रोड पे गुंडागर्दी चलती थी, और यहाँ पे इस समय सुरक्षित हैं हम लोग। इससे पहले आप कह रहे सुरक्षित नहीं थे, सिर्फ महिलाएं सुरक्षित नहीं थी या कोई भी सुरक्षित? कोई भी सुरक्षित नहीं था। हाँ की जी आए हैं तो सुरक्षा सही है, सुरक्षा व्यवस्था अच्छा सही है, एकदम सही। बात बताइए सुरक्षा की, तो आपने बात की, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है महंगाई और बेरोजगारी को लेके, वो नहीं दिख रहा क्या जनता? वो दिख रहा है, लेकिन ये देखिए कोविड में कितना राशन खिलाया, कितना क्या किया, ये सब अगर सपा की सरकार होती तो कुछ लोग तो मर गए होते, सब लोग भूखे लोग मर गए होते। तो कि योगी जी ने लाखों लोगों को मारा है कोरोना में और फेल रही है? एकदम नहीं मारा है, वो एक झूठ का अखुआ है उड़ा है, एकदम नहीं मारा। कि जनता किसके साथ है? योगी बाबा, बाबा के साथ। अखिलेश यादव नहीं चाहिए? बहुत सारे वादे कर रहे हैं अखिलेश यादव, आए तो ये करेंगे, बहुत सारी बातें हैं उसमें। करेंगे योगी बाबा, करेंगे जो करेंगे, यहाँ बुलडोजर योगी बाबा चला। क्या नाम? दिलीप कुमार अवस्थी। दिलीप कुमार अवस्थी जी, अवस्थी जी बताइए वोट डालने जाएंगे, क्या मुद्दा होगा, क्या मन में क्या होगा? हमारे मन में योगी जी की मन की विचारें हैं। अच्छा, हाँ मतलब योगी जी चाहिए, क्यों चाहिए? अगर मैं ये पूछूं चाहिए, योगी जी बढ़िया विकास कर रहे हैं, बढ़िया व्यवस्थाएं कर रहे हैं। विकास करने का दावा तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। अरे वो तो झूठी वादे बहुत हो चुके हैं ना,
उनकी सरकार में बहुत लूट फाटिया चल रही थी, अब यहाँ पर बहुत सुरक्षा व्यवस्था सही है। हाँ, सुरक्षा को देख के वोट डालेंगे। सुरक्षा व्यवस्था हमारी, हमारे परिवार की सुरक्षा हमें यही चाहिए, हमारा विकास। कह रहे हैं कि हम आए तो इससे भी ज्यादा सुरक्षा देंगे। वो सब झूठ के एक बहाना है, वो तो अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए बहुत से मुद्दे रखते हैं। हाँ। हमको बाबा जी चाहिए, हाँ हमको बुलडोजर चलाने वाले सही है। हमारे देश की इतनी कोरोना में सुरक्षा व्यवस्था किए। बुलडोजर चलाने की बात करते हैं अखिलेश यादव, बोलते हैं विकास की बात नहीं करते हैं बाबा जी, बाबा तो आपको विकास नहीं करते? बाबा जी विकास की बात नहीं करते, बुलडोजर चलाने की। अखिलेश यादव केवल झूठे बहाने कर रहे हैं, अपना जब खुद का परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं तो दूसरे का क्या। अच्छा, मतलब परिवार नहीं संभला तो प्रदेश क्या संभलेगा? प्रदेश क्या संभलेगा? अखिलेश यादव 400 सीट लाने को बोल रहे हैं अगला मुख्यमंत्री में, बोल रहे हैं अखिलेश नहीं ला पाएंगे।